हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हम बताने वाला है इस टाइप का जो 3D वीडियो एडिटिंग है। आप भी इस टाइप का 3D वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके तो गाइस, कॉपीराइट की वजह से मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो, मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो में जितना मटेरियल है सारे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। उसके बाद आपको 3 प्रेशन लिंक मिल जाएगा, आपको एलर्टमोशन से इनपुट कर लेना है। प्रेशन लिंक कैसे इनपुट करते नहीं पता तो ऑलरेडी वो वाला टॉपिक एक वीडियो बनाकर रख लिया है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एलर्टमोशन ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको ऐसे आ जाएगा। ओके गाइस, ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है, और जो ये वाला देख रहे हो, जो तीनों प्रोजेक्ट ये वाला देख रहे हो, जो प्रेशर लिंक जो है आपको देख रहे हो, देखो जो तीनों प्रोजेक्ट जो देख रहे हो ये वाला आपको इनपुट कर लेना है। ओके, इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिलीगल फॉर पहले चले आना है। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट आपको ओपन कर लेना है, रिलीगल प्रोजेक्ट जो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, यहाँ से आपको क्या करना, कॉपी जो नाइन लिया कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको बैक जाना है सिंपली। उसके बाद आपको हिंदी फुल प्रोजेक्ट में आ जाना है, यहाँ आकर आपको सिंपली पेस्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, फिर से आपको बैक जाना है, और मॉडल का जो प्रोजेक्ट है वो वाला आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना, कॉपी जो फोर लेयर कर लेना है। ओके, कॉपी फोर लेयर करने के बाद आपको फिर से आपको बैग जाना है, और फिर से आपको फुल प्रोजेक्ट में आ जाना है। ओके, यहाँ अगर आपको फोर लेयर पेस्ट कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद आपको सब कुछ यहाँ कैमरा ऑन कर देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से अपना फोटो चेंज कर लेना, कैसे चेंज करना है बताने वाले हैं। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं था प्लीज लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए तो वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको देख लेना है, सबको यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से आपको प्लस में जाना है, मीडिया में जाना है, यहाँ से आपको फोटो ऐड करना है। ओके, जो फोटो आप चेंज करना चाहते हो। ओके, यहाँ से आपको, मैंने ऑलरेडी PNG फोटो रखा है ऑलरेडी। ओके, ऐसे आपको चले आना है आपके पास, और PNG फोटो बना लेना है, नहीं तो बना लेना। ओके, तो चलो डेमो दिखाने के लिए ये वाला फोटो हम ऐड कर लेते हैं। ओके, देखो हो गया। उसी आपको क्या करना, सिर्फ आगे चले आना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है, और ये वाला ऑप्शन टच कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको आगे चले आना है, ऐसे आपको थोड़ा आगे इस टाइप का हम रख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला फोटो टच करके मोर ट्रांसफॉर्म जाकर आपको जेड ऑप्शन टच कर लेना है, और इसको हम नीचे लाएंगे। देखो फोटो पीछे चला गया, थोड़ा ऊपर लाएंगे, ऊपर आ गया। उसके बाद आपको थोड़ा जूम कर लेना है अच्छे से। ओके, उसके बाद आप रोटेट वाला ऑप्शन जाकर आपको इसको जीरो कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, और ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना अच्छे से जो देखने के लिए अच्छे लगे। उसके बाद आपको क्या करना, जेड ऑप्शन टच करके थोड़ा पीछे देंगे। ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, इतना देंगे, और पहले वाला जो फोटो था, ये वाला फोटो आपको मॉडल का, ये वाला फोटो आपको डिलीट करना। देखो यहाँ पर आपको लग गया फोटो। ऐसे करके आपको सारे फोटो, जितना भी यहाँ पर फोटो लगा है, ऐसे करके आपको फोटो चेंज कर लेना। और भी एक तरीका है फोटो चेंज करना, वो वाला तरीका थोड़ा अच्छा नहीं होता फोटो ऐड करने के लिए। तो ऐसे आपको फोटो में टच करना है, कलरफुल में जाना है, और PNG में जाना है, और ऐसे भी आप भी फोटो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। देखो फोटो यहाँ पर भी लग गया। ओके, इस वाला फोटो आप थोड़ा कुछ एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट पर आ जाना है, ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना अच्छे से। वाई वाला टच कर लेना है, और ऊपर नीचे ऐसे कर लेना है। ओके, देखो ये वाला तो ठीक से लग गया, ऐसे नहीं लगा तो आपको थोड़ा कुछ एडजस्ट कर लेना है। और मैंने पहले बताया था वो वाला तरीका अपना अजमाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, आपको कुछ एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना, जितना भी यहाँ पर आपको आपको इस वीडियो फुल HD में चाहिए तो पूरा फुल आपको जितना भी मेटेरियल है सारे मेटेरियल आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। ओके, और सारे मेटेरियल आपको रिप्लेस कर लेना है। ओके, कैसे रिप्लेस करना मैं बताने वाला हूँ। देखो ऐसे आपको, देखो आ जाना है। ओके, यहाँ पर आपको देखा मिल जाएगा, देखो ये आपको, देखो यहाँ पर मिल जाएगा, सो बैकग्राउंड फोटो यहाँ पर मिल जाएगा, जो देख कोल्ड का जो मिल जाएगा, ये जो सारे फोटो यहाँ पर मिल जाएगा, सारे जो PNG आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है, और सारे फोटो आपको रिप्लेस कर लेना है। ओके, ऐसे आपको टच करना है फोटो पर, और कलरफुल में जाना है, और ऐसे आपको जो जैसा फोटो था वो ऐसा ही फोटो आपको ऐड कर लेना है। ओके, तो चलो एक फोटो हम ऐड कर दिखा देते हैं आपको। ओके, ओके, ये वाला जो कोल्ड का फोटो है ये वाला हम ऐड कर लेंगे, ऐसे आपको देख देख कर अच्छे से सारे फोटो रिप्लेस कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ओके,
सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।